सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। एक और मानसून का सीजन होने में आसमान में बादल दिखने चाहिए, लेकिन हांसी में प्रदूषण का स्तर रेड अलर्ट पर पहुंच गया है। इसका कारण राजस्थान की तरफ से आए धूल के कणों के साथ हवाओं से शहरों के ऊपर गुब्बार सा छा गया है। इसकी वजह से शाम का 2.5 का स्तर 300 पार कर गया है, जिससे पूरे आसमान में पश्चिमी हवाओं से लाई धूल के कणों का गुब्बार देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी को सामना करना पड़ा है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इस धूल के प्रदूषण से सांस लेने में दिक्कत आ रही है। बाइक चालकों को रोड पर जाने से आंखों में जलन जैसी बीमारियां होने लगी हैं, जिससे आंखों में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। सर, जो आजकल ना जो 2-3 दिन से धूल वाला वातावरण चल रहा है, इससे सबसे बड़ी समस्या आ रही है अस्थमा और टीबी की शिकायत बढ़ने का चांस बढ़ रहे हैं। लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आंखों में जलन हो रही है। अगर जब तक ये मानसून नहीं आता, बारिश नहीं आती, तब तक तो ये प्रभाव बहुत गहरा है। बच्चों पर इफेक्ट इसका बहुत जल्द पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं जी, धूल मिट्टी उड़ रही है राजस्थान से, जब मिट्टी आ रही है, जो धूल मिट्टी आ रही है, इसके वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। फेफड़ों में भी मिट्टी घुस जाती है, मुँह में मिट्टी घुस जाती है, नाक में मिट्टी घुस जाती है, तो बहुत सारी दिक्कतें आई हुई हैं। और इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, बहुत प्रॉब्लम है, घर से कम निकलें और ध्यान रखें अपना। वहीं हांसी सामान्य अस्पताल की SMO अरुणा गर्ग ने बताया कि आसमान में फैले इस प्रदूषण से हॉस्पिटल में अस्थमा व आंखों के रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है, और उन्होंने लोगों को आंखों पर चश्मा लगाने और घर से बाहर निकलते समय मुंह और नाक ढककर निकलने का सुझाव दिया है, ताकि इस प्रदूषण से बचा जा सके। आजकल आप जैसे देख रहे हैं, हवा में अजीब सा स्मोक फैला हुआ है, जिसमें धूप भी हमें ठीक से दिखाई देते, तो इसमें सांस की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, फेफड़ों में तकलीफ हो रही, लोगों को अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, और आंखों में जलन हो रही है, तो ये बीमारियां आमतौर पर ज़्यादा बढ़ रही हैं। किस तरह से बचाव किया जा सकता है इसे, किस तरह क्या क्या करना चाहिए? बचाव तो ऐसा ही है कि जिस वक्त ज़्यादा फैला हुआ उसे घर से बाहर ना निकले, और अगर जाना भी है तो जैसे आँखों को कवर करके जाएँ, आँखों को चश्मा लगा कर जाएँ, धूप का चश्मा लगा के जाएँ, और मुँह और नाक को खासतौर से ढक के निकलें, ताकि जो है सत्य खबर के लिए हांसी से केशव धमीचो की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।